हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पापा फिर से स्वागत है। आज आपके सामने लेके आया हूँ ऐसे दो बजट फ़ोन जो कम बजट में आप परचेस कर सकते हो, 5G स्मार्टफोन जो कंपनियों ने लॉन्च किए हैं कम बजट में स्मार्टफोन। एक है पोको M6 Pro 5G और एक है Redmi 12 5G, जो काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं। अब दोनों में से डिफरेंट देखेंगे, इनकी कंपेरिजन करेंगे कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, इसके बारे में फिलहाल आगे बात करते हैं। चलते हैं फिर बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस बॉक्स के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में मेंशन किया गया, एक पीला बॉक्स है पोको M6 Pro 5G का और आपको व्हाइट कलर में बॉक्स में मिल जाता है Redmi 12 5G का। इन दोनों बॉक्सों के पीछे प्राइस मेंशन की गई है। Redmi 12 की प्राइस मेंशन की गई है, MRP इसकी दी गई है 17,999 का और इस पोको M6 Pro 5G में दी गई है 16,999। लेकिन इसकी दोनों की इतनी रियर प्राइस नहीं है। Redmi 12 5G की प्राइस है रियर वाली 13,500 और पोको M6 Pro 5G की प्राइस है 12,999 में। दोनों वेरिएंट 6GB रैम 128GB रैम वाले वेरिएंट है दोस्तों। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 4/128 Redmi 12 5G में और इस वाले में आते हैं पोको M6 Pro में 4/64। इसलिए थोड़ा डिफरेंट प्राइस का डिफरेंट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें Redmi 12 5G और इसमें भी पोको M6 Pro 5G, दोनों की फीचर्स वगैरह मैं देखते हैं सेम कौन सा अच्छा कौन सा अच्छा नहीं है। दोनों में आपको मिल जाता है प्रोसेसर सेम, स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 दोनों में सेम ही है और डिस्प्ले क्वालिटी भी सेम है। 6.79 इंच की डिस्प्ले है, फुल HD प्लस IPS स्क्रीन है, गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आपको दोनों में बैटरी मिल जाता है। दोनों में सेम फीचर्स हैं, बस इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें 6GB रैम 128GB रोम वाला वेरियंट है वाला, ये भी 6GB रैम 128GB रोम वाला वेरियंट है, लेकिन प्राइस में डिफरेंट है। पोको M6 Pro की प्राइस है मात्र 13,000 रुपये और Redmi 12 5G की प्राइस है 13,500, बस 500 रुपये के डिफरेंट के चक्कर में बस इतना ही डिफरेंट है। वैसे तो सेम ही फीचर्स दिए गए, ज़्यादातर मुझे सेम ही फीचर्स लग रहे हैं। और इसके अंदर चालू करके देखेंगे तब कैमरा क्वालिटी वाला सबकी टेस्टिंग कराएंगे इसमें क्या डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा 500 रुपये ज़्यादा पोको में कम है, 500 Redmi 12 में कुछ 500 ज़्यादा है। तो चलते बिना किसी देरी के इसको करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स करने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो लेटेस्ट में डालता रहता हूँ, इसकी आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए, आप मेरी वीडियो देख सकें। दोस्तों बॉक्स को कर लिया मैंने ओपन, बॉक्स को ओपन करते ही आपको मिल जाती दोनों डिवाइस बाहर रखी हुई और इसमें दोनों में मिल जाते हैं मिनी बॉक्स, पीला कलर का इसमें पोको को दिया गया है और व्हाइट कलर का आपको Redmi 12 5G का मिल जाता है। आपको दोनों के पीछे आपको सिम इजेक्टर टूल देखने के लिए मिल जाती है, सेम ही बॉक्स दिए गए हैं दोनों के देख सकते हो, और दोनों में आपको मैटी सिलिकॉन टाइप में कवर मिल जाते हैं देखने के लिए, काफ़ी ट्रांसपेरेंट कवर नहीं है लेकिन आपको मैटी टाइप में कवर दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है, आपको अलग से कोई परचेस करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं दोनों में सेम, और इसमें कुछ एडाप्टर मिल जाता है 22.5 वाट का एडाप्टर दोनों में दिए गए हैं दोस्तों। अगर आपको बॉक्स की बात करते हो, बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया था 18 वाट, लेकिन इसमें ना 22.5 वाट का चार्जर दिया गया है इसमें दोनों में, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें चार्जर ठीक है बजट के हिसाब से, चार्जर सेम ही सब कुछ दिया गया है इसमें जैसे कि आप देख सकते हो इसमें, और दोनों में ही आपको टाइप सी पोर्टेबल डाटा केबल टाइप सी देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, टाइप सी पोर्टेबल डाटा केबल दी गई है दोनों में। अब बात करते हैं बिना किसी देरी के इन दोनों डिवाइस के बारे में, इनकी हम लाइव टेस्टिंग कराएंगे कैमरा क्वालिटी वगैरह सबके बारे में, तो आप अंत तक वीडियो देखें दोस्तों, बिना स्किप किए देखें दोस्तों। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉटम में, देख सकते हो आप बॉटम में सेम क्वालिटी सेम कुछ सब कुछ सेम ही दिया गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो आपको चार्जिंग सॉकेट टाइप सी मिल जाती है दोनों में नीचे ही, और लाउड स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है और माइक्रोफोन भी दोनों में सेम देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके साइड की, साइड में ही आपको दोनों में माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं देखने के लिए, और साइड में ही आपको मिल जाती है वॉल्यूम के बटन अप और डाउन के, फिंगरप्रिंट दिया गया है वही पावर ऑन ऑफ का बटन काम करेगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर ऊपर की बात करते हैं, ऊपर में आपको मिल जाता है 3.5mm का ईयरफोन जैक देखने के लिए मिलता है, और इसमें रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम भी है, जैसे कि आपको टीवी LED AC कूलर पंखा जो भी रिमोट कंट्रोल से होती हैं इसमें सिस्टम दिया है कंपनी ने अलग से, आपको अलग से रिमोट खरीदने की जरूरत नहीं है, आराम से काम कर सकता है आपका कोई कुछ भी आप इससे करवा सकते हो। स्लिम मॉडल भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लुक डिजाइन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, दोनों की बिल्ड क्वालिटी वगैरह सेम ही दी गई है। पीछे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको ग्लास लुक में आपको देखने मिल जाता है, प्रीमियम ग्लास लुक डिजाइन के साथ आपको देखने मिल जाता है, और आपको डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने मिल जाता है, 50MP प्लस 2MP का आपको डुअल सेटअप आपको मिल जाता है विथ LED फ्लैश। पोको कंपनी के मोबाइल और Redmi 12 5G मोबाइल दोनों में लुक डिजाइन सेम दी गई है, ब्लैक कर दिया गया दोनों का, काफ़ी पसंद आया मुझे दोस्तों, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताने, लुक डिजाइन के हिसाब से तो दोनों का अच्छे हैं दोस्तों, मुझे काफ़ी पसंद आया और काफ़ी अच्छा है इस पर।
पोको में ऊपर मेंशन किया गया है पोको और रेडमी में नीचे मेंशन किया है रेडमी। थोड़े थोड़े दोनों में उभरे हुए कैमरे दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें दोनों में आपको डुअल सेटअप के साथ कैमरा मिल रहा है, 50 MP का रियर कैमरा वाइड एंगल प्लस 2 MP का डेप्थ कैमरा आपको मिल जाता है देखने के लिए। दोस्तों इन दोनों की प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, तो वैसे तो ऑनलाइन प्राइस की 12,999 दी गई है पोको की और रेडमी की 13,499 दी गई है, लेकिन मैंने परचेस किया था 1,000 रुपये का डिस्काउंट करके, मुझे 12,500 रुपये का रेडमी 12 5G पड़ा था और M6 Pro मुझे 12,000 रुपये का पड़ गया था, मतलब 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया था मुझे कार्ड लगा के। अगर आपको परचेस करना है तो मैं इसकी फ्लिपकार्ट पे मैं इसकी लिंक दे दूंगा, कहाँ कहाँ जहाँ से ऑनलाइन परचेस कर सकते हो मैं उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, आप वहाँ से आप लिंक से आप परचेस कर सकते हो। दोस्तों इसको मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको, देख सकते हो किसकी जल्दी कौन सा मोबाइल चालू होगा, किसकी क्वालिटी अच्छी है इसकी। जैसे कि देख सकते हो आप MI का ये इसमें लोगो दिया गया है, इसमें MIU का देख सकते हो, आपने देखा तो आपने MI का सबसे पहले चालू हुआ था दोस्तों मोबाइल, लेकिन पोको थोड़ा हल्का सा डाउन है लेकिन दोनों में से। अब चेक करते हैं इन दोनों की ब्राइटनेस की, ब्राइटनेस भी ठीक है इसकी, 550 nits दी गई है, मतलब धूप वगैरह में यूज करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादातर, ठीक है इसका। अगर रेफ्रेश रेट की बात करते हो तो रेफ्रेश रेट इसकी है ना 90 GHz रेफ्रेश रेट दी गई है दोनों में, और इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करते हो तो 91% है इसकी, और इसकी हाइट की दोनों की बात करें तो हाइट भी सेम ही दी गई दोनों में, 168.6 mm की दोनों में हाइट मिल जाती है देखने के लिए, चलने में भी काफ़ी स्मूथ है दोस्तों। और इसकी विड्थ की बात करें तो 76.2 mm की दोनों में सेम दी गई है, थिकनेस की बात करें तो थिकनेस भी इसकी सेम ही दी गई है 8.1 mm का, और प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 दोनों में दिया गया दोस्तों, दोनों अच्छी क्वालिटी के प्रोसेसर दिए गए दोस्तों, और इसकी ना एक न्यू फीचर्स आया है MIU 14 दोनों मिल जाता है आपको देखने के लिए, और एंड्रॉयड वर्जन 13, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों में सेम है। अगर आपको कम बजट में अच्छा फ़ोन लेना है तो पोको M6 Pro 5G ले सकते हो, अगर रेडमी आप पसंद है तो रेडमी परचेस कर सकते हो, अगर 500 रुपये थोड़ा ज़्यादा देना है तो आप। दोस्तों इसके वेट की क्वालिटी की बात करें तो वेट है ना इसका 199 ग्राम इसका वेट दिया गया, इसका स्क्रीन क्वालिटी भी ठीक है दोनों में, इसको आपको मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास स्क्रीन मिरर ग्लास स्क्रीन दोनों मिल जाती है आपको देखने के लिए इसकी। इसमें दोनों में कलर आते हैं अलग अलग, पोको में कलर आता है फॉरेस्ट ग्रीन और पावर ब्लैक दो कलर आते हैं, और इसकी रेडमी 12 की कलर की बात करें तो इसमें मूनलाइट सिल्वर कलर आ जाता है दोनों में, और पेस्टल ब्लू कलर और जज ब्लैक कलर, लेकिन रेडमी में आपको 3 कलर मिल जाते हैं और पोको में आपको 2 कलर देखने के मिल जाते हैं। दोनों की इसकी डस्ट प्रूफ दिए गए हैं दोस्तों, इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। डिस्प्ले क्वालिटी इसकी IPS LCD आपको दोनों में मिल जाती है, एंड्रॉयड 13 वर्जन में मिल ही जाता है, रैम रोम सेम ही है 6/128 दोनों में मिल जाता है इसका। आर्किटेक्चर की बात करें तो 64 बिट भी है आर्किटेक्चर दोनों मिल जाती है। फैब्रिकेशन की बात करें तो 4 nm का आपको फैब्रिकेशन मिल जाता है। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो कैमरा क्वालिटी भी सेम ही है, 50 MP का प्लस 2 MP का डेप्थ कैमरा और 50 MP का वाइड एंगल कैमरा। कैमरा क्वालिटी की टेस्ट कराएंगे मैं आपको लाइव टेस्टिंग दे सके, देख सकते हो मैंने कैमरा क्वालिटी मैंने चेक कराता हूँ आपको, कैमरा क्वालिटी मुझे सेम ही लग रही है और दोनों में 10x जूमिंग मिल जाती है देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कैमरा क्वालिटी मुझे ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं मिला, बस थोड़ा मुझे डिफरेंट उसमें मिला आप चालू करने में, बस थोड़ा हल्का सा वो पीछे रह गया था पोको कंपनी का, लेकिन रेडमी उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 सेकंड का फ़र्क पड़ा, लेकिन क्वालिटी दोनों में सेम है। कैमरा क्वालिटी भी मैंने टेस्ट कराई तो मुझे सेम ही लगा, मुझे कोई ज़्यादा कुछ अच्छा कुछ भी डिफरेंट नहीं लगा, मुझे सेम कैमरा क्वालिटी लगी दोस्तों। और बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कैमरा क्वालिटी पिक्सल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, प्रोसेसर भी सेम है स्नैपड्रैगन 4 Gen का, कोई गेमिंग अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मैंने कुछ फ्रंट कैमरे से टेस्टिंग कराने के लिए मैंने फोटो खींची, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने, आप देख सकते हो कोई मुझे डिफरेंट नहीं लग रहा है, फ्रंट कैमरा 8 MP का है वाइड एंगल, लेकिन डिफरेंट कुछ नहीं है, सेम क्वालिटी है सेम दोनों। मुझे मैंने पीछे से बैक कैमरे से खींचा था रियर वाले से, लेकिन रियर कैमरे से फोटो खींचे थे तो भी सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है ज़्यादा खास नहीं, मुझे कोई डिफरेंट नहीं मिला। और इसकी स्पेस प्रूफ भी है, ये वाला सेट दिया गया वाटर प्रूफ के साथ, आपको IP53 रेटिंग के साथ आपको दिखने मिल जाता है, काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। कम बजट में आपको परचेस करना है इन दोनों में से, आप कोई भी परचेस कर सकते हो, अगर आपके पास कम बजट है 5G फ़ोन लेना है 13-13 हज़ार के अंडर में, आप इनमें से कोई भी परचेस कर सकते हो दोस्तों। 10 हज़ार के अंडर में लेना है तो आपके इसके 4/64 मिल जाए आपको पोको कंपनी में, और 10-11 हज़ार की रेंज में आपको मिलना है इसमें रेडमी 12 में आपको 4/128 मिल जाएगा इसमें, लेकिन पोको में 4/64 आता है, 4/128 रेडमी 12 में आता है। अगर आपको 12-13 हज़ार रुपये खर्च करना है आप इन दोनों कोई भी फ़ोन इन दोनों में से परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं। आप गेमिंग वगैरह के लिए फ़ोन लेना है कम बजट है 5G फ़ोन में तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छे कंपनियों ने फ़ोन निकाले हैं वाले, अच्छा मोबाइल है इसमें दोनों में,
लेकिन इसमें एक खासियत है कि क्या इन दोनों में ना मेमोरी कार्ड नहीं डालते। अगर दो सिम डालोगे तो आप चिप नहीं डाल पाओगे, अगर दो सिम डालोगे तो चिप नहीं डाल पाओगे, अगर चिप डालना है तो एक सिम एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो इसमें। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको 1920x1080 at 30 FPS दोनों में मिल जाती है देखने के लिए। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप करती हो तो कोई दिक्कत नहीं आती आपके लिए। तो इन दोनों के वर्सेस करने पर मुझे कोई कुछ खास डिफरेंट नहीं मिला, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस प्राइस का डिफरेंट है 6128 में। 500 रुपये बेटर है इस रियलमी 12 5G वाले में, और पोको की बात करते हो उसमें 500 रुपये कम है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कंपनी कौन सी पसंद है, जो आपको पसंद है वो परचेस कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियो डेली आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँगा, और मैं ऐसी रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपने इसकी स्पेशल वीडियो नहीं देखी है तो इसकी मैं वीडियो आपको लिंक दे दूंगा, पोको रेडमी 12 4G 4128 की और पोको M4 6 की 4 की, मैंने दोनों बना चुका हूँ। फिर मिलते हैं, थैंक यू वॉचिंग फॉर।